कहने को सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। मरीजों को निःशुल्क दवा और लैब जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन धरातल पर सरकार की सारी नीतियां खोखली साबित हो रही है। ताजा मामला आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले से सामने आया, जहां बामनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में एक बच्ची को एक्सपायरी डेट की सिरप थमा दी गई, जिसे पीने के बाद बच्ची की और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चे के पिता ने उसका निजी अस्पताल में इलाज करवाया। वहीं अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया यार, उल्ट चक्कर आ रहे थे और हाथ में बदन दर्द होते, बुखार आया था हल्का सा, तो मैं साहब को दिनांक 1/4/2024 को अस्पताल में आया था, सरकारी अस्पताल बामनिया में। वहाँ पे साहब ने देखा बच्ची को, दवाई भी लिखी साहब ने, दो गोली लिखी थी, मार्केट की थी, मुझे बाज़ार से लेना और एक सिरप यहाँ से ले लो। मैं लेके गया, मैंने बच्ची को दवाई पिलाई, बच्ची को पहली बार पिलाई तो उसको कुछ जी घबराना ज़्यादा हुआ। तो मैंने सोचा कि दवाई एक ही बार पिलाई है, दवाई पिलाएंगे तो अच्छी होगी। 3-4 दिन तक दवाई पिलाई, कुछ ज़्यादा तबियत बिगड़ने लगी, तब मैं वापस दिनांक 5 तारीख को फिर आकर दिखाई यहाँ पे। तो वो दवाई भी देखी, दवाई एक्सपायरी डेट पाई गई, बात भी करी मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट करा दवाई, एक्सेप्ट करी उन्होंने, मैंने फुटेज भी बनाया उनका, उन्होंने फुटेज और वो दवाई वापस, जैसे इनको मालूम पड़ा तो उन्होंने वापस हाथों दवाई उठा के फेंकना चालू करी। संबंधित व्यक्ति जो भी आरोप लगा रहा है कि एक्सपायर दवाई अस्पताल से दी गई, डिस्पेंस की गई, वो एक्सपायर दवाई हमारे अस्पताल से नहीं दी गई। संबंधित व्यक्ति को हमने हॉस्पिटल में ओपीडी में रजिस्टर लेना और ओपीडी से एक्सपायर दवाई डिस्पेंस नहीं दी गई। नहीं, वो डस्टबिन में देखा। सर, जो दवाई आती है आप इसको चेक करते हो सर क्या? हाँ, देखते हैं समय समय पर, देखते होगा आपके इन्फेक्शन में होता हुआ है।